एक नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग पीछे। ये जो वीडियो है रेलवे स्पेशल वीडियो है, आप लोग को ये सवाल रेलवे के एग्जाम में हमेशा देखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को हमेशा आता है और आने की पूर्ण संभावना है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, कांसा मिश्रण है, कांसा जो होता है उसमें क्या क्या मिश्रण होता है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा कॉपर और टीन का, कॉपर यानी तांबा और टीन का मिश्रण कांसा होता है, वन लाइनर बताया जा रहा है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है, इसको आप लोग शेयर भी जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतारा था, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आप लोग एग्जाम में देख सकते हैं कि सबसे पहले मानव की बात करें तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन को भेजा गया था, जो अपोलो 11 के द्वारा भेजा गया था और वो था सन 1969 ईस्वी में। कौन गया था तो नील आर्मस्ट्रांग गया था और एडविन एल्ड्रिन गया था और वो अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। देखिए ये अमेरिका ने इसको भेजा था, ये भी आप लोग याद रखना है, यानी एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए मानव चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में उतरा था, तो सबसे पहले उतरा था नील आर्मस्ट्रांग। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, देखिए विटामिन सी के पूछा है सेव, आम, आंवला और दूध। विटामिन सी की बात करें तो सबसे बढ़िया स्रोत आंवला है, आंवला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सर्वग्राही वह व्यक्ति है जिसका रक्त समूह है, सर्वग्राही, ग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करना है, तो रक्त वह समूह है जिसका एबी समूह है, सर्वग्राही होता है एबी और दाता जो होता है दाता ओ होता है, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाला है, और रक्त समूह होता है ए बी और ओ, तो ग्राही होता है ए बी और दाता है ओ, ये रेलवे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास पर लिखी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है, तो ये चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक हैं। भारत में सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है, देखिए सर्वाधिक जिंक यानी जस्ता, भारत में सर्वाधिक जस्ता किस राज्य में उत्पादन होता है, जस्ता का उत्पादन देखिए राजस्थान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात है कि यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, देखिए आप लोग संगठन देखना है तो संगठन बंगलोर में है और वही संस्थान पूछे तो श्री हरिकोटा में है, ये आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि संगठन पूछे तो बंगलोर और संस्थान पूछे तो श्री हरिकोटा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, वास्को डी गामा जो था वो भारत की खोज किया था, वो भारत कब पहुंचा था, ये भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में, कालीकट के निकट ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि यहूदियों का पूजा स्थल, देखिए इसमें आप लोग इसको ऑप्शन से भी आप लोग छांट सकते हैं,
चर्च आप लोग को ईसाइयों का होता है और यहाँ पर सीनी गैग है, मस्जिद मुस्लिम को होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहूदियों का पूजा स्थल सीने गैग होता है, सीने गैग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि चीन की मुद्रा कहलाती है, चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन कहलाती है। देखिए दो संख्या है तो दो चीन, चीन दो संख्या है तो इसका तीन होगा, दो का तीन होगा, और यहाँ पर येन जापान तीन का दो होगा और दो का तीन होगा। यह आप लोग को ध्यान देना है कि अगर चीन पूछे तो युआन तीन अक्षर का और जापान तीन है, उसका जो मुद्रा है वो दो है, तो उसका जापान का येन है और चीन की मुद्रा युआन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये सभी जानते हैं कि रथ यात्रा जो है पुरी में मनाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ का ये रथ यात्रा निकलता है, सुभद्रा और बलराम के साथ रथ यात्रा निकलता है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका जो उत्तर होगा आप लोगों को ऑप्शन इसमें ज़रूर देख लेना है, मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह। तो देखिए मुख्य कारण जो है मृत्यु दर में कमी हो रहा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का लौह पुरुष कहलाता है? भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एलोरा का गुफाएं स्थित है, एलोरा का गुफाएं स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा का गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे बनाने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि एरा, एरा से आप लोग याद रखिएगा, जिसे एरा से एरावत आप लोग याद रखिएगा, हाथी से संबंध है, एलोरा से ए रा से राष्ट्रकूट होता है, तो एलोरा का निर्माण करा था राष्ट्रकूट तो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील स्थित है। देखिए चिल्का झील जो है वो ऑप्शन में है महाराष्ट्र में, कश्मीर में, कर्नाटक और राजस्थान में, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है। देखिए ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप लोग को याद रख लेना है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो देखिए सूर्य के पूछा है तो एम भेम जे सन इसका ट्रिक है, एम से होता है, एम से बुध हो जाता है, तो बुध जो है वो सूर्य से निकटतम ग्रह है। विटामिन सी को जाना जाता है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन सी जो होता है वो खट्टा फलों में या सब्जियों में पाया जाता है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन है? दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? देखिए हांगकांग, जावा, चेरापूंजी और मानसिनराम। देखिए अधिकतम वर्षा पूछे तो मानसिनराम है, मानसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, और मानसिनराम से पहले चेरापूंजी में अधिकतम वर्षा वाला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए पहले नोबल पुरस्कार विजेता, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछे नोबल पुरस्कार विजेता सबसे पहले कौन हुए? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हुए थे।
जिनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबल पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसे 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया, 98 ईस्वी में किसे भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को जानना जरूरी है कि 98 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला। तो ये इनमें से सभी, अब्दुल कलाम को, एम एस सुब्बा लक्ष्मी को और सुब्रमण्यम सी सुब्रमण्यम को 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि कृष्णा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। तो देखिए, प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है, प्रेम वाटिका रस खान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है वो कैनबेरा है, कैनबेरा आप लोग याद रखिएगा, कैनबेरा। देखिए ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये आप लोग को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है वो कैनबेरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावारत्ती कहाँ की राजधानी है, कावारत्ती कहाँ की राजधानी है। तो इसको भी याद करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही मदद करेगा। देखिए क से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लक से आप लोग याद रखिएगा कि ल से लक्षद्वीप और क से कावारत्ती। तो लक्षद्वीप का राजधानी कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। वो भी मरुस्थल कहाँ स्थित है, देखिए मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में। तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसी तरह बंगाल के शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, गीत सेठी किस खेल से संबंध रखते हैं। देखिए गीत सेठी जो हैं वो बिलियर्ड से संबंध रखते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया था, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए वो हैं फुदोर जी हैं जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिया था। निम्न से कौन कंगारू का देश के नाम से अभिहित किया जाता है, कंगारू का देश। तो अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो ये प्रश्न आप लोग के लिए हलवा साबित होने वाला है, क्योंकि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत आया था, देखिए अलबरूनी जो है मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था और ये 11वीं शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो देखिए इसका उत्तर होगा 8848 मीटर, लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 2 मीटर बढ़कर 8850 मीटर हो गया है, 8800 वर्तमान में 8850 मीटर हो गया है। अगर अपडेट पूछे, अगर 8850 ऑप्शन में हो तो आप लोग 8850 ही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोट्रिपिक्स पावर परियोजना कहाँ है, कार्बोट्रिपिक्स परियोजना देखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वह कौन है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वह कौन है। तो वह देखिए वह जो नदी है वो सिंधु नदी है, जो वर्तमान में
पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ये जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इन्हें गंगैकोंड के नाम से भी जाना जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध देखिए इसका उत्तर होगा क्रिकेट से, रणजी क्रिकेट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति के लोग किस राज्य में सर्वाधिक रहते हैं? तो ये मणिपुर राज्य में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए 91 पूछे या 2011 पूछे या 21 पूछे, आप लोग का उत्तर जो होगा वो केरल ही होगा। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो उच्चतम है वो केरल ही है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? गार्डन रिच बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए गार्डन रिच जो है वो पश्चिम बंगाल में, गार्डन रिच जहाज बनाने की कारखाना स्थित है। आगे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? देखिए झंडा का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था, इसका जो उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन को स्वीकार किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमार सुनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का नाम है और ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, थिम्पू राजधानी है, देखिए ये प्रीवियस ईयर में कई एक बार आ गया है, आप लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में हुआ था और इसमें देखिए अकबर के सेनानायक मान सिंह ने हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 ईस्वी को चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप सिंह को परास्त किया था। ये आप लोग को याद रखना है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गदर पार्टी संगठित हुआ था, गदर पार्टी कहाँ संगठित हुआ था? तो गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में संगठित हुआ था जो अमेरिका में स्थित है। तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका में है संगठित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता का प्रावधान है, भारत के संविधान के द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। देखिए भारत के संविधान द्वारा नागरिकता का प्रावधान जो है ऑप्शन बी, देखिए एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। और आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में क्या संबंधित है? देखिए 51 के ए हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये मूल कर्तव्य से 51 के ए संबंधित है। देखिए मूल कर्तव्य 11 है और ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।